नमस्ते व्यूअर्स, आपका स्वागत है नलिन एकेडमी पर। झारखंड की जनजातियों से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की यह श्रृंखला लगातार आपके लिए पेश की जा रही है। आज हम अन्य कई जनजातियों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इन जनजातियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं लोहरा जनजाति से संबंधित ऑब्जेक्टिव्स। पहला सवाल है, लोहरा जनजाति की प्रजाति कौन सी है? ऑप्शन ए द्रविड़, ऑप्शन बी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑप्शन सी मंगोलाइड, अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। चलिए सवाल नंबर दो, लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? बिरहोर, असुर, भूमिज अथवा मुंडा। इसका उत्तर होगा असुर। लोहरा जनजाति को असुर वंश का माना जाता है। लोहरा जनजाति की भाषा कौन सी है? मुंडारी, कुड़ुक, सदानी अथवा संथाली। तो लोहरा जनजाति की भाषा है सदानी। लोहरा जनजाति के कितने गोत्र हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सेवन, सात गोत्र हैं। प्रश्न संख्या फाइव, इनमें से कौन सा एक लोहरा जनजाति का गोत्र है? ऑप्शन है तुतली, मगहिया, कछुआ अथवा उपरोक्त सभी। इसका उत्तर डी नंबर, यानी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या छः, लोहरा जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कृषि, बुनकर, लौह उपकरण बनाना अथवा मजदूरी करना। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा लौह उपकरण बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या सात, लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? हाथूबोंगा, सोसोबोंगा, सिंगबोंगा अथवा मरांग बुरु। इसका उत्तर हो जाएगा सिंगबोंगा, अर्थात ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या आठ, लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, पितृवंशी अथवा बी तथा सी दोनों। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि पितृसत्तात्मक और पितृवंशी दोनों। चलिए अब भूमिज जनजाति के ऊपर प्रश्नोत्तरी करते हैं। सवाल नंबर एक, भूमिज जनजाति की प्रजाति कौन सी है? द्रविड़ है, मंगोलाइड है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए इसका उत्तर। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। अगला सवाल, धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहा जाता है? पाहन, सरदार, पंजाबी अथवा दबंग। इसका उत्तर हो जाएगा सरदार। झारखंड के किस जिले में भूमिज जनजाति का निवास है? धनबाद, हजारीबाग, रांची, उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या चार, मुगलों के शासनकाल में भूमिज जनजाति को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है चुहाड़, बरदार, कारो अथवा इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा चुहार, अर्थात मुगलों के शासनकाल में भूमिज जनजाति को चुहार कहा जाता था। अगला है सवाल, भूमिज जनजाति की भाषा क्या है? कुड़ुक, मुंडारी, सादरी, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा मुंडारी। प्रश्न संख्या छः, भूमिज जनजाति की भाषा पर इनमें से किस भाषा का प्रभाव है? सदानी, बांग्ला, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों। प्रश्न संख्या सात, भूमिज जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? दो, तीन, चार या पाँच? भूमिज जनजाति में कुल चार गोत्र पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या आठ,
निम्न में से कौन भूमि जनजाति का गोत्र है? पत्ती, जोयोला, हेम्ब्रम, उपरोक्त सभी। इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात पत्ती, हेम्ब्रम और जोयोला, ये तीनों सही है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9। भूमि जनजाति में इनमें से कौन सा विवाह सर्वाधिक प्रचलित है? गोलट विवाह, आयोजित विवाह, अपहरण विवाह या राजीखुशी विवाह? इसका उत्तर दीजिए। जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा आयोजित विवाह। प्रश्न संख्या 10। भूमिज जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इस जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है, ये बात तो सही ही है। इस जनजाति में सगोत्री विवाह निषिद्ध है, ये भी सही है। ऑप्शन सी, इस जनजाति में पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करके तलाक दिया जाता है, तो यह भी सही है कि पत्ते को फाड़ करके तलाक दिया जाता है इसमें भूमि जनजाति में। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन सही है। चलिए प्रश्न संख्या 11। भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? महतो, पाहन, प्रधान अथवा कालो? इसका उत्तर होगा प्रधान। प्रश्न संख्या 12। भूमि जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है बताना है। तो भूमिज जनजाति का लोगों का प्रमुख पेशा कृषि है, जी बिल्कुल सही है। भूमि जनजाति का परिवार मातृसत्तात्मक है, तो ऐसा तो नहीं है, मातृसत्तात्मक नहीं है, पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है, भूमि जनजाति में सगोत्री विवाह निषिद्ध है, बिल्कुल सही। भूमि जनजाति में युवा गृह जैसी संस्था पाई जाती है, हाँ बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा डी नंबर। प्रश्न संख्या 13। भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन हैं? ग्राम ठाकुर, गोराई ठाकुर, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? भूमि जनजाति के जो धार्मिक प्रधान हैं उन्हें लाया कहा जाता है। भूमि जनजाति में श्राद्ध संस्कारों को कहा जाता है गोड़म साकी, मरांग बुरु, कमावत अथवा गौटिया? जी इसका उत्तर हो जाएगा कमावत। साध्य संस्कारों को कमावत कहते हैं। अगली जनजाति है महली। पहला सवाल है, महली जनजाति इस कला में निपुण है, बांस कला, शिल्प कला, चित्रकला अथवा नृत्य कला? इसका उत्तर होगा शिल्प कला, महली जनजाति शिल्प कला में निपुण है। महली जनजाति का संकेंद्रण पाया जाता है सिंहभूम में, रांची में, हजारीबाग में या उपरोक्त सभी? तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी, अर्थात सिंहभूम, रांची और हजारीबाग, इन तीनों जगहों पर महली जनजाति बहुतायत में पाई जाती है। महली जनजाति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? महली जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है, ठीक है। ऑप्शन दो है, ऑप्शन बी है, महली जनजाति व्यवस्था पितृसत्तात्मक है, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या होगा? उपरोक्त दोनों, अर्थात महली जनजाति पितृसत्तात्मक भी है और इसकी नातेदारी व्यवस्था कैसी है? हिंदू समाज के समान। महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो याद रखें, महली जनजाति में टोटल
16 गोत्र हैं। जिजिले ने महली जनजाति को कितने उपसमूहों में विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5। इसका उत्तर है 5। प्रश्न संख्या 6। निम्न पर विचार करें, बांसफोड़ महली, पातर महली, सुलंकी महली, तांती महली और महली मुंडा। जिजले के अनुसार उपरोक्त में से कौन सा महली जनजाति की उपजातियां हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, अर्थात बांसफोड़ महली, पातर महली, सुलंकी महली, तांती महली तथा महली मुंडा। ये सारी उपजातियां हैं महली जनजाति की। पातर महली मुख्य पेशा क्या करती है? कृषि करती है, लोहार का कार्य, बुनकर का कार्य या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर हो जाएगा कृषि। प्रश्न संख्या 8। पातर महली का संकेंद्रण है मुख्यतः कहाँ? धनबाद क्षेत्र में, तवाड़ क्षेत्र में, रातू क्षेत्र में या रामगढ़ क्षेत्र में? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तवाड़ क्षेत्र में। बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है? कृषि, लोहार का कार्य, बांस का सामान बनाना या मजदूरी? इसका उत्तर है बांस का सामान बनाना। बांसफोड़ महली बांस का सामान बनाती है। सुलंकी महली का मुख्य पेशा क्या है? केवल कृषि, लोहार का कार्य, बुनकर का कार्य अथवा कृषि व मजदूरी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि व मजदूरी। प्रश्न संख्या 11। तांती महली का मुख्य पेशा क्या है? तांती महली का मुख्य पेशा क्या है? ऑप्शन ए कृषि, लोहार का कार्य, पालकी ढोना अथवा मजदूरी? इसका उत्तर हो जाएगा तांती महली, पालकी ढोना। प्रश्न संख्या 12। महली मुंडा का प्रमुख पेशा क्या है? कृषि व मजदूरी, लोहार का कार्य, लकड़ी का सामान बनाना अथवा उपरोक्त सभी? उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कृषि व मजदूरी। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि कौन सी उपजाति कौन सा कार्य कर रही है। तो देखिए, जो पातर महली है वह कृषि कार्य करती है और तमाड़ क्षेत्र में है। बांस फोड़ महली बांस का सामान बनाती है। सुलंकी महली कृषि और मजदूरी कर रही है। तांती महली का मुख्य पेशा पालकी ढोना है और महली मुंडा का प्रमुख पेशा कृषि व मजदूरी है। चलिए प्रश्न संख्या 13। महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था पितृसत्तात्मक है। ठीक है, प्रश्न संख्या 14। महली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, कौन सा कथन सत्य है? इनका विवाह टोटमवादी वंश में होता है। महली जनजाति में बाल विवाह प्रचलित है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। ऑप्शन डी, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। इसका उत्तर है उपरोक्त दोनों कथन सत्य है, यानी कि इनका विवाह टोटमवादी वंशों में होता है और बाल विवाह महली जनजाति में प्रचलित है। महली जनजाति को इनमें से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है? लोहार, शिल्पकार, सुनार अथवा मजदूर? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? शिल्पकार। निम्न में से कौन महली जनजाति के प्रमुख देवी अथवा देवता हैं? प्रमुख देवी देवता महली जनजाति के हैं सुरजी देवी। ठीक है, याद रखिए सुरजी देवी महलियों की प्रमुख देवी हैं। इनमें से कौन से महली जनजाति के देवी देवता हैं? मनसा देवी, बड़ पहाड़ी, उपरोक्त दोनों? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों।
महली जनजाति में पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है? सोसो साकी, वन साकी, गोड़ाम साकी अथवा बांगर साकी। इसका उत्तर हो जाएगा गोड़ोम साकी। प्रश्न संख्या 19। महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा बिल्कुल दहेज ही होगा, सॉरी इसका उत्तर दहेज नहीं है, इसका उत्तर पोन टाका है, माफ कीजिएगा। महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाला वधु मूल्य पोन टका कहलाता है। प्रश्न संख्या 20। महली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? परगनैत, चट्टी, संढवार अथवा कठर गाछ। तो इसका उत्तर है परगनैत, ठीक है। प्रश्न संख्या 21। सिल्ली क्षेत्र में महली जनजाति द्वारा इनमें से कौन सी विशेष पूजा की जाती है? उलूर पूजा, गोड़म पूजा, सूर्यजी पूजा अथवा बालार पूजा। इसका उत्तर है उलूर पूजा। इसी के साथ महली जनजाति से संबंधित प्रश्न खत्म होते हैं और अब आरंभ होता है करमाली जनजाति के ऊपर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रजातीय दृष्टि से करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? द्रविड, मंगोलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड यानी ग्रीटो। जी हाँ, इसका उत्तर क्या है? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। करमाली जनजाति की मातृभाषा क्या है? खुरठा, कुड़ुख, पंचपगनिया या नागपुरी। इसका उत्तर है खुरठा। करमाली जनजाति द्वारा बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? करमाली, हिंदी, बंगाली अथवा नागपुरी। इसका उत्तर है करमाली। प्रश्न संख्या 4। कुरमाली भाषा का संबंध इनमें से किस भाषा परिवार से है? द्रविड़, इंडो आर्यन, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका उत्तर होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक। कुरमाली भाषा का संबंध ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण क्षेत्र कौन सा है? हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। करमाली जनजाति के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस जनजाति की नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है। ऑप्शन बी, इस जनजाति में पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है। ऑप्शन सी, इस जनजाति में वधु मूल्य को पोन या हड़ुआ कहा जाता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी कथन सत्य है, यानी कि इसकी नातीदारी व्यवस्था हिंदू समाज के समान है, पंचायत प्रमुख को मालिक कहा जाता है और वधु मूल्य को पोन अथवा हडुआ कहा जाता है। करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? इसका उत्तर है 7। इनमें से कौन से या सा विवाह करमाली जनजाति में प्रचलित है या हैं? आयोजित विवाह, विनियम विवाह, ढुकु विवाह अथवा उपरोक्त सभी। इसका उत्तर डी है, उपरोक्त सभी। आयोजित विवाह, विनिमय विवाह, ढुकु विवाह, यह तीनों प्रचलित है। करमाली जनजाति में मनाए जाने वाले टूसु पर्व को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? मीठा पर्व, बड़का पर्व, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? करमाली जनजाति बुनकर का कार्य करती है या लोहार का कार्य करती है, कृषि कार्य या फिर मजदूरी कार्य।
उत्तर दीजिए। इसका उत्तर है लोहार कार्य। ठीक है, करमाली लोहार कार्य करती है। प्रश्न संख्या 11, करमाली जनजाति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? यह एक शिल्पकार जनजाति है। यह जनजाति अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। लास्ट ऑप्शन है, उपरोक्त दोनों कथन असत्य है। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है 11 का सी, उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। करमाली जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? मरांगबुरु हैं, सिंह बोंगा हैं, हाथू बोंगा हैं अथवा सोसो बोंगा हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सिंह बोंगा, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13, करमाली जनजाति के पुजारी को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? पाहन, नाया, उपरोक्त दोनों अथवा इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों, अर्थात करमाली जनजाति के पुजारी को पाहन और नाया दोनों नाम से जाना जाता है। करमाली जनजाति में ओझा के पवित्र स्थान को किस नाम से जाना जाता है? जी, ऑप्शन है आपके पास दिहुरी, देवकरी, दिनकारी अथवा देवबारी। इसका उत्तर क्या है? देवकरी, ऑप्शन नंबर। प्रश्न संख्या 15, करमाली जनजाति के लोग इनमें से किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? सोन, स्वर्णरेखा, दामोदर अथवा कोयल? तो इसका उत्तर हो जाएगा दामोदर। ठीक है, इसी के साथ हम लोग अगले लेक्चर में अन्य जनजातियों के बारे में भी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।